अगर आपके खिलाफ भी आपके बहू ने डोमेस्टिक वायलेंस का या फिर 498A का यानी कि दहेज प्रताड़ना का या फिर घरेलू हिंसा का केस कर दिया है, तो फिर अगर कोर्ट में पेशी होती है और कोर्ट में आप ये एप्लीकेशन लगाने की सोच रहे हैं कि जी मैंने तो अपने बेटे को डिवाइड कर रखा है, मैंने तो अपने बेटे को अपने प्रॉपर्टी से बेदखल कर रखा है, ये लोग तो आपस में रहते हैं, अब इनकी जो भी चीज़ें हैं ये दोनों जाने, हमें इस केस से डिस्चार्ज किया जाए। अगर ये एप्लीकेशन आप भी लगाने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके बहुत ही ना के बराबर काम आने वाली है। क्योंकि अगर कोर्ट ये ऑब्जर्व करता है कि डोमेस्टिक वायलेंस हकीकत में हुआ है या फिर दहेज प्रताड़ना का मैटर बन सकता है, यहाँ पर दहेज की डिमांड हुई है, तो फिर ऐसे एप्लीकेशंस की, ये डिवॉर्ड की या फिर किसी भी ऐसे एप्लीकेशन की, कि ये दोनों आपस में जाने, कोई महत्व नहीं रह जाता। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।